हेलो फ्रेंड्स, और आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स की 9वीं श्रृंखला में प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, साथ ही उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीटीसी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा यूजीसी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए कितने समय के अंदर? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के अंदर जो है भर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए 6 माह के अंदर, सही आंसर हो जाएगा। और फिर से सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, वह किन से मिलकर बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार यानी किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, एक निर्वाचक मंडल द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? कूट का प्रयोग करके सही आंसर चुनना है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सही है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो हम देखते हैं, सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 3। अगला जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा डी, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं कौन कौन रहते हैं? तो एक तो संसद रहता है, और संसद राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषद तो नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के सभी सदस्य नहीं होगा क्योंकि मनोनीत सदस्य तो होते नहीं है, ये भी नहीं हो गया होगा क्योंकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सभी सदस्य की बात कर रहा है, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो जाएंगे आ जाते हैं, तो इसलिए सही आंसर हमारा डी होगा, संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कई बार पूछा गया है, तो इसमें दिया भी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया कि जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता रहता है, कब तक संभालता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? सेम क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा बी, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, भारत का उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, क्योंकि ये प्रस्ताव भले ही राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा द्वारा पारित करने के पश्चात लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है, केवल अकेले राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति को पदमुक्त नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है,
जिसे वह संबोधित करेगा, अर्थात वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा भी राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे बल्कि राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये वर्ष 2014 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2017 से अब तक जो है, इस समय 2022 में वेंकैया नायडू जो है भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, भारत का महान्यायवादी जो है वो भाग ले सकता है संसद के सदनों की बैठकों में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सेम क्वेश्चन है, तो सेम आंसर हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें, भारत के महान्यायवादी को। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है, अर्थात एक समान है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूनतम आयु जो है भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के लिए जो है समान अर्हताएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, वीवी गिरी जो है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की एक विशेष प्रक्रिया होती है, तो जो प्रथम चुनाव था जैसे प्रथम वरीयता का, तो उसके द्वारा नहीं द्वितीय वरीयता के मतों द्वारा ये चुने गए थे। और फ्रेंड्स नीलम संजीव रेड्डी ये सर्वसम्मति से चुने गए थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और अपने उत्तर का चयन जो है कूट की सहायता से कीजिए। तो आपको सही कथन का चुनाव करना है उपराष्ट्रपति के संबंध में। तो देखते हैं, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ये जो है सही स्टेटमेंट नहीं है। अगला स्टेटमेंट है कि उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, तो ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों द्वारा तो होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा भाग नहीं लेता है। चौथा स्टेटमेंट है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, परंतु यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 4 ये जो है सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के तहत वापस करता है तब यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, निलंबित निशेषाधिकार का जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा सी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 7.5 माह। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? तो पहला कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, नहीं पे ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर होगा, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है, सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट है, वह राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्यसभा को जो है विघटित नहीं किया जा सकता। और डी है, लोकसभा का विघटन कर सकेगा, तो ये सही है, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं कूट के द्वारा चुना है। तो पहला कह रहा है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, सही बात है। लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश दे सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि चुनाव का आदेश चुनाव आयोग जो है देता है।
तीसरा है संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, बिल्कुल सही है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार 1, 3 और 4 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 का मतलब है डी जो है सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं। पहला है लोकसभा को भंग करना, सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो ये फ्रेंड्स पुराना क्वेश्चन है, इसमें सही आंसर सी दिया है, उस समय 150,000 था, किंतु वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है वो फ्रेंड्स 5 लाख प्रति माह हो गया है। 2020 के बाद से राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख है, और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है 4 लाख है, और साथ ही राज्यपाल का वेतन जो है 3.5 लाख है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, ये तो सही है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। फिर कह रहा है कि अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का और उसकी मर्यादाएँ संसद के अधिनियम के समान होती हैं, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के पुनः समेत होने पर उनके सम्मुख उसे रखा जाएगा, ये भी सही है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो और जो चौथा स्टेटमेंट फिर यही बच गया, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा जो कि सही नहीं है अर्थात गलत है। तो चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि यह समाधान होना जरूरी है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है, तभी तो अध्यादेश लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 123। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद 213 जो है ये राज्यपाल को राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दोनों आर्टिकल याद रखेंगे क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा कहते हैं, नहीं। मंत्रिपरिषद कहे, नहीं। संसद का सत्र चालू नहीं होता और संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करती है, नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, संसद का सत्र चालू नहीं होता तभी वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो है वो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदस्य जो है मिलके करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति को। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति अपना जो है त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। आई थिंक सेम क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वो किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति एक संसद का सदस्य नहीं होता है क्योंकि। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि उसे ये देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, कभी नहीं, क्योंकि संविधान में इसका जो है प्रावधान नहीं है, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अर्थात 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है, केंद्र में इसे लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 78। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो तब भी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78, क्योंकि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति ऐसी कोई सूचना मांगे तो वो जो है उसको राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ऐसी सूचना प्रदान करे। तो अनुच्छेद 78 जो है ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे, आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर हो जाएगा सी, एन संजीव रेड्डी, जिनको नीलम संजीव रेड्डी भी कहते हैं। फिर सेम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, नीलम संजीव रेड्डी जो है ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध या सर्वसम्मति से चुने गए थे। फिर अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में जो है होता है। ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो ऐसे मामलों का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद कौन सुलझाता है। सेम क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, संसद द्वारा, अनुच्छेद 61 में वर्णित जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को अपने पद से संसद हटा सकता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।